स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, मैं ताड़े राही मैं सारी दुनिया सारे पंजाबी सैशन वेख रहे, दुनिया भर के लोग वेख रहे, सामने बैठा पंजाब का पुत, सामने बैठा पंजाब का मुख्यमंत्री, ये अखां जख पा के गल कर, ये बाजवा सामने पवे, वह बैठा पंजाब का पुत, वह साडा बब्बर शेर बैठा, ये सामने बैठ, ये दसन इन्होंने पांच साल की किया, साडा मुख्यमंत्री दसदा कि पंजा महीने इन्हें की दिता, ये सामने बैठ एक बार, ये सामने क्यों नहीं बैठे, इन्हें सामने पाओ एक बार, ये पहली बार पंजाब के इतिहास में ऐसा की विरोधी धिर जड़ी आई है, पहली बार ऐसा का विरोधी धिर का नेता आया जिन्हें इन्होंने लोगों का टाइम खराब करता, इस करके इन्हों बाल कटो, इन्हों खिलाफ कार्रवाई करो, जे इन्हों हिम्मत है और बैठा शेर और सामने अख जख पा के गल कर, और बैठा भगवंत मान कल कहते सीएम जी, और बैठा इन्होंने सामने कल गल हम पंजाब के मुद्दे की कर दी इन्होंने। थैंक यू सर, धन्यवाद जी। मैं बैठो, कोई जिंदा बिल्कुल गलत गल इथे डिसिप्लिन बना के रखा जाए। मैं एक बेनती करनी चाहना सारे पंजाब दे लोकां ने, आपां 117 नूं इत्थे आपदे दुख दर्द दा हल करन लई भेजिआ, इत्थे दो दिन 70-80 लख रुपया एक दिन दा खर्च आउंदा, दो दिन तुसीं मेरे कुछ माणयोग मैंबरां ने जिन्हां नूं हुण मैनूं कमेंट करदिआं बड़ा भारी मैनूं दुख हो रिहा कि वह दो दिन पंजाब के लोगों ने वेस्ट कर दिते, एडे अहम मुद्दे पंजाब के लोगों के सामने खड़े ने जिन्हों इतना डिस्कस किया जाना चाहिए, लेकिन माणयोग मैंबर साहबान वार वार बेनती करते भी और चेयर की तोहीन करना भी नहीं जानते, फिर मैं सख्त फैसले लवांगा ते तुहाडे कोलों बर्दाश्त नहीं होने, सोमवार को तैयारी करके आयो भी आ दो दिन क्यों वेस्ट किए पंजाब के लोगों ने, तुहाडे कोलों जवाब मंगे जाएगा इस गल का, दो दिन तुसी पंजाब दे नौजवानों दे मुलाजमान दे मजदूरों दे दलितों दे किसानों दे वेस्ट कीते आ तुसी, ये नहीं होने चाहिए, इत्थे डिस्कशन होनी चाहिए है। देश दुनिया की तमाम खबरों नाल जुड़े रहने लई सबसक्राइब करो यूट्यूब ते सच कहूं पंजाबी चैनल, इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।